वेलकम बैक जी, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी सेक्शन 5 तक डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन 4 के जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात की थी। पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पार्टनरशिप की जो फर्दर आज हम लोग जो इस चैप्टर सॉरी इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, एसेंशियल्स क्या हमारे पार्टनरशिप, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल प्री पॉइंट ऑफ व्यू, आज उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो हमारे पास 5 एसेंशियल्स पॉइंट है। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, टू और मोर पर्संस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। और वो जो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे वो एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है जी। किस बात के लिए एग्रीमेंट करेंगे? टू कैरी ऑन अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को कैरी करना है, कोई काम करना है, कोई ट्रेड जो ऑक्यूपेशन जो कोई प्रोफेशन हमने इकट्ठे चलाना है। और उन सभी का जो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है और हमने आपस में अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल एजेंसी मीन्स वहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स है सभी के, कि हमने सभी के लिए काम कर रहा है और जहां फिर एक पर्सन सभी के लिए काम करेगा। यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी अंडरस्टैंडिंग इन सब में, ये जो 5 हमारे एसेंशियल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम लोग पार्टनरशिप को हम लोग इजीली समझ सकें। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना कि जो हमारा आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप पार्टनरशिप को नहीं समझते तो पार्टनरशिप एक्ट को क्या समझोगे? तो सेक्शन 4, सेक्शन 6, दीज सेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा केस जो है बेसिकली हमारे मेन में डाले जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेन में पूछे जाते हैं, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान में रखना। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्शंस की, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस। मैंने आपको पहले भी कहा कि सेक्शन जो 5 है, सेक्शन 5 ने क्लियर कर दिया कि बेसिकली जो पार्टनरशिप है इट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। वो स्टेटस से नहीं निकलती। बीइंग अ मेंबर ऑफ द हिंदू हंड्रेड फैमिली आई एम नॉट अ पार्टनर टू द बिजनेस, जो हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं पार्टनर नहीं हूं, आई एम नॉट अ पार्टनर एट ऑल। इसीलिए यहां पर क्लियर है सेक्शन 5 में कि जो पार्टनरशिप है इट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस, जो नंबर ऑफ टाइम पी में क्वेश्चन पुट किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पार्टनरशिप है बेसिकली इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इटसेल्फ, बट अराइजेस आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और एग्रीमेंट। तो लॉ यहां पर कह रहा है पार्टनरशिप बेसिकली एक्चुअली वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज का एक एग्रीमेंट है जिसमें वो डीड में मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो ओरली है चाहे वो रिटन में डीड है, जिसमें वो ये मेंशन कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोग एक बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो लायबिलिटीज वो हमारी फिक्स होंगी इस रेशो में। तो वो हमारा बेसिकली पार्टनरशिप की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। तो सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर की रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, टू और मोर पर्सन एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट वहां पर मेंशन कर दिया कि भाई अगर आप बिजनेस बैंकिंग लाइन में कर रहे हो तो 10 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अगर दूसरा बिजनेस है बैंकिंग के अलावा से अलग कोई बिजनेस और कर रहे हो तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो पार्टनरशिप है, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम लिमिट है प्रिस्क्राइब की गई है। हमारे पास दो केस है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल दूलीचंद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज जादाजी नरसी दास एंड कंपनी का केस है। जो हमारा दूलीचंद का केस है उसमें क्लियर कट कर दिया, हेल्ड किया कि फर्म एज सच इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अनदर फर्म, क्योंकि यहां पर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, एक फर्म दूसरे फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती, ये दूलीचंद में स्पेसिफाइडली प्रिस्क्राइब किया गया, वन फर्म कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस विद अनदर फर्म। फर्दर डिफाइन किया गया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज जादाजी नरसी दास एंड कंपनी में, फर्दर कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि एक फर्म का पार्टनर और दूसरी फर्म का पार्टनर आपस में इंडिविजुअली कैपेसिटी में वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म।
बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में दोनों फर्म में से दोनों को पार्टनर्स जो अलग अलग होके वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये इसमें फर्दर क्लियर कर दिया। तो वहां पे हेल्ड ये कि पार्टनर ऑफ अ फर्म कैन हाउएवर एंटर इनटू पार्टनरशिप इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी विद अनदर इंडिविजुअल और पार्टनर्स ऑफ अनदर फर्म। एक पर्सन फर्म का पार्टनर किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कर सकता है पार्टनरशिप, एक फर्म का पार्टनर दूसरी फर्म के पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, लेकिन एक फर्म दूसरी फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन उसको बेनिफिट के लिए हमने माना हुआ है, वहां पे हम बेनिफिशियरी वहां पे ऐड किया हमने पार्टनर। हम उस सेक्शन करेंगे 31 नंबर ऑफ सेक्शंस है, कैसे पार्टनर्स को ऐड करते हैं कैसे नहीं करते हैं, माइनर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ द्वारा, एज एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन, ही इज टोटली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 5 के रिगार्डिंग, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं, हस्बैंड वाइफ बेसिकली अगर वो फैमिली का बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर नॉट पार्टनर्स टू ईच अदर, बट कैन दे बी अ पार्टनर? यस, अगर वाइफ अपनी कैपेसिटी में, हस्बैंड अपनी कैपेसिटी में अपने जो जो उनके पास सोर्सेज हैं वो अगर पूल कर रहे हैं किसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो डेफिनेटली वो पार्टनर्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दैट देयर कैन बी अ पार्टनरशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ। सेक्शन 5 कभी बार नहीं कर रहा, वो सिर्फ फैमिली बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जी। देन वी हैव अनदर पॉइंट, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देयर इज नो पार्टनरशिप। एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्संस टू कैरी ऑन द बिजनेस और उसके रिगार्डिंग वो शेयर जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस बेयर करेंगे, वो एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड फॉर एग्रीमेंट व्हाट इज नेसेसरी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साउंड माइंड, मेजर चाहिए हमें साथी पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, वहां पर क्लियर कर देगी पार्टनरशिप कैन ओनली अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर वहां पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट है चाहे वो ओल्ड एग्रीमेंट है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिटन में भी हो सकता है और भी हो सकता है, बस वहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर जाएगी। सो द एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब कि एग्रीमेंट कैसे लिखाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक्ट ने कहीं भी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए, एग्रीमेंट कैसे करना है किसी पार्टी के रिगार्डिंग, कि हम लोग पार्टनरशिप बन जाए, पार्टनरशिप बनानी है, हमें एग्जिस्ट करवानी है, क्रिएट करनी है पार्टनरशिप, एग्रीमेंट कैसे है ना वो आप छोड़ दिया लॉ ने, उसको रिफाइन नहीं किया। ठीक है जी। देन वी हैव इंपॉर्टेंट केस, लक्ष्मी बाई वर्सेस रोशन लाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ओवर हियर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो थी इसमें कि इट वॉज हेल्ड एट वेन देर इज अ नो रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर ओरल एग्रीमेंट में था, दो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट में ओरल एग्रीमेंट था पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के रिगार्डिंग, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट था कि हम लोग इकट्ठे मिलकर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो वो काम है, वो हम लोग बिजनेस है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अब व्हाट हैपेंड इन दिस केस, इट वाज हैल्ड व्हेन देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट देन इट इज वेरी हार्ड टू प्रूव द एग्रीमेंट, इट इज वेरी हार्ड टू प्रूव कि भाई हमारे में पार्टनरशिप है, एविडेंस कहां से लेके आओगे, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हमारा रिटन में। लेकिन आपका कंडक्ट तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि हाँ भाई आप एक दूसरे के साथ जो डील करते हैं आपका कंडक्ट कैसा है, थर्ड पार्टी के साथ आपका कंडक्ट कैसा है, तो वो तो प्रूफ कर देगा हाँ भाई आप पार्टनर्स हो। तो इस दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, लॉ ने कहा भाई ठीक है अगर ओल्ड एग्रीमेंट नहीं है कोई बात नहीं, पार्टीज का कंडक्ट ही डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअल में उन दोनों में प्लेंटी डिफेंडेंट में पार्टनरशिप थी या नहीं थी। अब जो प्लेंटी है वो क्या कंटेंशन कर रहा है कि वो कह रहा है कि डिफेंड के साथ मैंने एंटर किया था इनटू अ पार्टनरशिप ओरली, किसके लिए? फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बिजनेस किया था और ये इंपॉर्टेंट था, ये हमारी प्लेंटी की कंटेंशन थी। अब डिफेंडेंट उसको रिजेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, नहीं जी ये झूठ बोल रहा है प्लेंटी, ये तो मैं फाइनेंशियली इससे हेल्प ले रहा था, ये सिर्फ मुझे फाइनेंशियली एड कर रहा था, मैं कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ और जो बेसिकली हमारे में जो रिलेशन है वो क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन है,
आम द डेटर इज द क्रेडिटर, वो मीन्स फाइनेंशियली जो है वो असिस्टेंट कर रहा था, यो ये जो बेसिकली डेटर जो डिफेंडेंट उसकी कंटेंशन थी। अब लॉ कहता है कि हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ एविडेंस आए दोनों पार्टीज में जो ये प्रूव कर रहे हैं कि दैट डेफिनेटली देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द पर्संस, दोनों में। डिफेंडेंट ने भी जब उसकी एग्जामिनेशन हुई क्रॉस हुई तो उसने वो एडमिट किया कि डेफिनेटली यस हम लोग पार्टनरशिप में। लॉ कहता है कि सिर्फ एग्रीमेंट में पार्टनर वर्ड यूज करना, पार्टनरशिप वर्ड यूज करना अपने आप में पार्टनरशिप को क्रिएट नहीं करता। जस्ट बाय यूजिंग द वर्ड पार्टनर एंड पार्टनरशिप दैट डजंट मीन दैट पार्टनरशिप एग्जिस्ट, इट इज बेसिकली द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, दैट इज व्हाई वी यूज वर्ड एग्रीमेंट ओवर हियर। एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का। अब यहां पर एग्रीमेंट था कि भाई दोनों जो था, इवन यहां पर जो प्लेंटिफ है ठीक है वो ये प्रूफ हो गया कि जो प्लेंटिफ है वो पैसा भी लगा रहा है और वो काम भी कर रहा था कंस्ट्रक्शन वहां पर जाकर साइट पे जाके, वो इसलिए वहां पर जो कंडक्ट था वो ये पूरा कंप्लीटली जो है वो क्लियर हो गया कि जो प्लेंटिफ है उसका कंडक्ट और डिफेंडर का कंडक्ट इतना क्लियर है कि चाहे उनमें रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन इससे ये एविडेंस प्रूफ हो गए, ये साबित हो गया कि इन दोनों में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में इवन दो कि वहां पर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट नहीं था बट ओरल एग्रीमेंट ऑन एंड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज टू ईच अदर, इट क्लियरली प्रूव्स दैट देयर इज अ पार्टनरशिप इन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ थर्ड पॉइंट, द कैरी ऑन ऑफ बिजनेस। कैरी ऑन ऑफ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एग्री कर रहे हैं, ए एंड बी एग्री कि हम लोग कोई काम करेंगे, भी काम करने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है तभी तो पार्टनरशिप वर्ड यूज किया गया है। काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, भाई लॉस के लिए मैं क्यों काम करूंगा, ऑब्वियसली हम लोग लॉस के क्यों काम करेंगे, प्रॉफिट कमाना है, मेरा मतलब सिर्फ प्रॉफिट से और कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ बेसिकली कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट मींस अ बिजनेस पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, कोई रिलीजियस सोसाइटी के प्रति या कोई चैरिटेबल पर्पस में जो क्लब जो हमारे खोले होते हैं जिनका बेसिकली अर्न करना प्रॉफिट जो वो पर्पस नहीं होता, तो डेफिनेटली वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। ठीक है जी, कोई सोसाइटी है वो कम्युनिटी सर्विस कर रही है, दैट डजंट मीन कि वो पार्टनर्स हैं उनके पर्संस, वो दे आर मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन बट दे आर नॉट पार्टनर टू ईच अदर। क्लब है जी आपके, ठीक है जी, वो क्लब चला रहे हैं आराम से लेकिन उसका प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव ही नहीं है, तो दे आर नॉट अ पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉ कहता है कि एक सिंगल एक एक्ट जो है वो भी हम लोग कहें तो क्या वो पार्टनरशिप उसमें बन सकती है कि नहीं बन सकती। लेट्स सपोज मैंने एक रोड बनाने के लिए एक एग्रीमेंट किया ए बी सी के साथ कि हम लोग तीनों मिलकर ये जो रोड है 100 किलोमीटर की वो हम लोग बनाएंगे, सिर्फ एक वेंचर है, सिर्फ इसी को कंप्लीट करना, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। तो लॉ कहते हैं कि एक वेंचर को कंप्लीट करने के लिए भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट हो सकती है। 100 किलोमीटर की रोड हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, हमने 3% के साथ एग्रीमेंट किया कि हम तीनों मिलकर ये जो रोड कंप्लीट करेंगे और जो भी हम लोग हमारे पास पैसा है एट द एंड वन रोड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस शुड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड परमानेंट अंडरटेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बेसिकली जो सेक्शन 8 है वहां पर क्लियर कर दिया कि बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है, किसी एक पर्पज के लिए भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे मैंने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया था, रोड कंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट हो गई हमारी पार्टनरशिप खत्म, आप दूसरे और काम पकड़ेंगे तो हो सकता है मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर लूँ दोबारा से पार्टनरशिप कर लूँ अदरवाइज खत्म। तो बिजनेस कोई कंटिन्यू होना चाहिए जब फॉर द टाइम बीइंग होना चाहिए, किसी एक वेंचर को कंप्लीट होने के लिए हमने पार्टनरशिप किया है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस आइदर अ परमानेंट बिजनेस और अ टेम्पररी बिजनेस, व्हाट इज वी रिक्वायर्ड दैट देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, सम बिजनेस, बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात लॉ कहता है कि अगर ए एंड बी ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, लॉ कहता है कि इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट और उसमें कभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होती, जब तक बिजनेस कंटिन्यू करते पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगी। तो कैरी ऑन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, आपने एग्रीमेंट कर लिया बिजनेस अभी फ्यूचर में करना है वो जस्ट एग्रीमेंट ही रहेगा, वो पार्टनरशिप कभी नहीं होगी,
ठीक है जी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर केस है आरआर सरना वर्सेस रियूबेन, रियूबेन का काफी इंपॉर्टेंट केस है। और व्हाट हैपेंड इन दिस केस कि प्लेंटिफ नंबर ऑफ पर्सन थे, एबीसी पार्टनर थे, एक पर्सन में सपोज एबीसी इफ दे आर पार्टनर, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विलेजेस में, शहरों में, और काफी पैसा कमाएंगे। आज का सबसे बड़ा प्रॉफिट हम लोग यही कह सकते हैं बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्शन जो उसकी कॉस्ट है वो 1 रुपये है, हमसे ले रहे हैं वो 7 रुपीज, तो काफी अर्न कर रहे हैं। तो अगर ये ए बी और सी थ्री पार्टनर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उनमें से ए पर्सन जो ए है उसने सारी इन्वेस्टमेंट की और अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए। कहाँ पर अप्लाई किया उसने? कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड में फर्म के नाम के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। एंड दैट म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड है, उसने जो लाइसेंस था वो रिजेक्ट कर दिया। अब जो ए है वो क्लेम कर रही है सारा पैसा मेरा है जी, मुझे वापस कर दो। बी सी कह रहे हैं आपका कैसे पैसा हुआ, वो तो फर्म का पैसा है जी, हमें उसमें से शेयर चाहिए, जो लाइबिलिटीज जो स्टैंड कर रही हैं वो लाइबिलिटीज के लिए ये पैसा जरूरी है, वो आपका पैसा नहीं है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ए और बी सी में अभी सिर्फ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। जब तक वो लाइसेंस नहीं मिलता तब तक वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते, बिगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बेसिकली ये जो पर्सन हैं दे आर नॉट पार्टनर्स, एंड दस जो पैसा है वो सिर्फ एक का ही है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हेल्ड किया था कोर्ट, हेल्ड दैट देयर वाज नो पार्टनरशिप एज येट, द बिजनेस इन विच द प्रेजेंट पार्टीज वर टू बी द पार्टनर्स नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलता बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं आया, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आती। इसलिए बेसिकली दस इट इज द कैरिंग ऑन बिजनेस, नॉट एन एग्रीमेंट टू कैरी इट ऑन। वो तो सिर्फ एग्रीमेंट है कि हम लोग फ्यूचर में कैरी ऑन करेंगे बिजनेस, अभी क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अभी कैरी दैट पार्टनरशिप में व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमारा पार्टनरशिप का ये है कि बेसिकली बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप फ्यूचर में एग्रीमेंट करो, आज एग्रीमेंट करेंगे हम फ्यूचर में जी स्टार्ट करेंगे, वो फ्यूचर ही है जी हमारा, इट इज जस्ट वेयर एन एग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस एट ऑल। इसको ध्यान में रखना। तो देन वी हैव अनदर पॉइंट, द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट। हम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली दो पॉइंट आएंगे उसमें, आइदर आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट हो गया तो आप प्रॉफिट शेयर कैसे करोगे? लाइक किसी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, किसी ने कर दिया 2 लाख, और किसी ने कर दिया 50,000, तो उसकी रेशियो क्या होगी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉ कहते हैं उसकी रेशियो जैसी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में वो लॉस जो है वो बेयर करेंगे। अगर उनमें एग्रीमेंट है कि हम इक्वली बेयर करेंगे तो इक्वली लॉस बेयर करो। अगर उनमें एग्रीमेंट है कि भाई जितनी मर्जी हमने इन्वेस्टमेंट की हो लेकिन प्रॉफिट हम लोग इक्वली करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको। अगर वो साइलेंट है वहां पर, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख 1 लाख एंड 50,000, अगर वहां पर साइलेंट है, कोई वहां पर फिक्स नहीं है कि हाँ भी आपको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो लॉ कहता है वो इक्वल पोर्शन ऑफ शेयर ही आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिसाइड करने के लिए, क्या एक्चुअल में वो पार्टनरशिप है या नहीं है, वेदर दे आर पार्टनर टू आर नॉट। तब दूसरी बात तैयारी, क्या लॉसेस भी शेयर किए जा सकते हैं? अब दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉसेस की, बात कर रहा हूँ सिर्फ लॉसेस, क्योंकि सेक्शन 4 में कहीं वर्ड नहीं लिखा, वहां पे सिर्फ वर्ड लिखा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉसेस वर्ड यूज ही नहीं किया गया सेक्शन 4 में, बट ये इनबिल्ट है। इम्प्लाइडली इट मीन्स ऑल्सो शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग भाई आप लॉसेस भी शेयर करोगे, लाइबिलिटीज भी आप अपनी इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज पर द रेशो, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी हिस्से में आपको लाइबिलिटीज भी आपको बेयर करनी पड़ेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस वी हैव अ केस वर्कर वर्सेस हिर्श केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली वेयर द पर्संस हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस, अ पार्टनरशिप ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इन्फर्ड। लॉ कहते हैं जहां पर पार्टनर्स ने यहां पर डिसाइड कर लिया कि हम लोग प्रॉफिट और लॉसेस दोनों बेयर करेंगे, शेयर करेंगे, और वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट मींस वहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। सो टू पार्टनर्स मे एग्री दैट ओनली वन ऑफ देम शैल बेयर ऑल द लॉसेस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी थ्री पार्टनर्स है लेकिन ए बी सी और तीनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर लॉस हुआ तो सी बियर करेगा, अगर प्रॉफिट हो गया तो सी को 70% है, हम लोगों को 50-50% है। तो लॉ कहते हैं ठीक है वो एग्रीमेंट वैलिड है, यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, लॉस चाहे वो सारा सी बियर कर रहा है लेकिन यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है वहां पर, तो इसलिए वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है यहां पर। एट द एंड जो लास्ट में लोग बात कर रहे हैं दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी वहां पे बोर्ड लिखा है और वहां पे सेक्शन 4 में वहां पर क्लियर कर दिया कि कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी ए बी सी सभी एक दूसरे के लिए काम करेंगे, या फिर ए अकेला बी सी के लिए भी काम कर रहा है, सभी के लिए काम कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इज कॉल्ड द एजेंट, जब भी वो एक दूसरे के लिए एक्ट कर रहे हैं वो एजेंट है, वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन भी है वहां पर, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की खूबी है कि वहां पर जो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस था हमारा वो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का था, SNS कंपनी थी, SNS कंपनी थी और उसमें दो पार्टनर्स थे SS, उन्होंने कंपनी बना दी SNS कंपनी। व्हाट हैपेंड इन दिस केस कि फाइनेंशियली काफी एम्बैरस्ड हो गई कंपनी, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो क्रेडिटर्स हैं हमारे क्रेडिटर्स को हम लोग ट्रस्टी बना देते हैं और वो अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट हम लोग शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग क्रेडिटर्स का हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे, फाइनेंशियली हम लोग काफी एम्बैरस महसूस होगा। हमने कॉन्टैक्ट किया क्रेडिटर के साथ कि भाई आप पार्टिसिपेट कर लो बिजनेस में और प्रॉफिट जो होगा आप शेयर करते रहो। एंड व्हाट हैपेंड, उसमें एक जो पार्टनर था कॉक्स था, ठीक है जी, वो अब उनको जो क्रेडिटर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको उन्होंने ट्रस्टी बना दिया, SNS कंपनी ने जो पार्टनर्स थे एक्चुअल में उन्होंने उनको ट्रस्टी बना दिया कि आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करो और प्रॉफिट शेयर करते रहो, आप अपनी लाइबिलिटीज वहीं से लेते रहो। अब जब वो ट्रस्टी काम कर रहे थे तो उसमें जो कॉक्स जो ट्रस्टी था वो साइलेंट था, वो काम नहीं कर रहा था, बाकी ट्रस्टी काम कर रहे थे। और व्हाट हैपेंड, जो ट्रस्टी थे उन्होंने हिकमैन के लिए दे परचेज सर्टन गुड्स फ्रॉम द प्लेंटिफ हिकमैन, अब हिकमैन से उन्होंने कुछ जो गुड्स वगैरह परचेज किए और बिल ऑफ एक्सचेंज उनको दे दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जब उसने वो चेक डाला तो वो डेफिनेटली पैसे निकले नहीं, अब हिकमैन ने केस डाल दिया इनके ऊपर, ये पार्टनर्स हैं जी। अब कोर्ट ने हेल्ड किया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज डज नॉट मीन दैट दे आर पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट always does not mean that there is a partnership in existence between those persons. ये clear cut इस case में held किया गया था, court ने कहा कि basically partners SNS दोनों partners हैं, आज भी वो partner है, जब जो trustee हैं जब उनकी liabilities खत्म हो जाएंगी तो वो business वापस SNS को return कर देंगे, और actually में उन्होंने return भी कर दिया, but क्योंकि Hickman का जो पैसा था वो उनको नहीं मिला, जो क्योंकि ट्रस्टी ने उसको परचेज की थी गुड्स वगैरह परचेज किए थे, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डेफिनेटली डिसऑनर हो गया चेक, तो उसने हिकमैन ने केस डाल दिया। तो कोर्ट ने कहा कि जो ट्रस्टी थे बेसिकली दे आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड स्टिल SNS दे आर पार्टनर्स, वो लायबल हो सकते हैं लेकिन ट्रस्टी लायबल नहीं हो सकता इस केस में। तो ये हिकमैन वर्सेस कॉक्स के कॉक्स वर्सेस हिकमैन में ये डिफाइन किया गया था। इवन जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है वो आगे काफी टाइम यूज होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती रहेगी, सेक्शन 6 में भी इंटरप्रिटेशन उसकी चेंज होगी, तो नंबर ऑफ टाइम इस केस को आगे इस एक्ट में यूज किया जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती रहेगी। टिल देन ये जो आज का जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। जब हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो सेक्शन 6 में जब आपको इंटरप्रिटेशन कराऊंगा उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ पैसा लेना आप पार्टनर्स नहीं हो, उसके आगे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी सेक्शन 6 के रिगार्डिंग, कल हम लोग उसी के रिगार्डिंग उसकी बात करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग कवर करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को प्लीज देख लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और इन केस ऑफ एनी डाउट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस विद मी, आप जस्ट ड्रॉप कर देना अपने मैसेजेस और मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और दिस चैनल, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।